दिस इज डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा टेक। दोस्तों, हम हमेशा अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने बालों की भी केयर करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी आंखों को निग्लेक्ट करते हैं। आप सब मुझसे एग्री होंगे, जो आंखें हैं वो कुदरत की बहुत ही खूबसूरत देन है और इस खूबसूरत देन को हमें हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ओमेगा टेक के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी आंखों की खूबसूरती को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो डॉक्टर दिव्या। और आज के हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर सिंदूरी। लेट्स वेलकम हर टू। वेलकम डॉक्टर। हेलो दिव्या। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हेक्टिक हो गई है और सब लोगों ने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया हुआ है एंड दे वॉन्ट टू अचीव दैट, और इसके लिए हर एक जन ओवर टाइम कर रहा है और एक्सेसिव हार्डवर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस काम को करते करते वो अपनी जो आईसाइट है उसको स्ट्रेन करता है, अपनी आईज को स्ट्रेन करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन कंप्यूटर्स, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो सीधा उनकी आंखों पे दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर? मेरा ये कहना है कि आजकल आपका जैसे बोला कि काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आईज में, काफी देखा गया है कि एलर्जिक कंडीशंस और ड्राई आईज जैसे ये बहुत ही कॉमन डिजीजेज हो गई हैं रिलेटेड टू द आईज। और एक कारण ये भी है कि जो हम लोग खा पी रहे हैं वो एक पूरा बैलेंस डाइट भी नहीं है उसके लिए, और अभी तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी काफी एकदम गदर काफी वीक हो गए, उनका चश्मा लग जाता है बड़ा बड़ा पावर का ऐसे। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मैं सजेस्ट करूंगी कि एक होना चाहिए, और जहां तक ये हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स एड ऑन करने चाहिए डाइट में, एंड स्पेशली जो एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं काफी हेल्प करते हैं विजन वगैरह के लिए। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट जो काफी रिसर्च हुई है उस पर ओमेगा डेक पे, उसमें पाया गया है कि जो DHA फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड, उसका जो क्वांटिटी है दैट इज लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ विच इज प्रेजेंट इन दैट सॉफ्ट जेल। तो मेरा ये कहना है कि अगर डाइट नहीं आप कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ योर हेक्टिक स्केड्यूल्स, या फिर आपको या फास्ट फूड बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं से आपको सप्लीमेंट्स का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। नहीं तो जो इसका इफेक्ट है सिर्फ आपकी आंखों पर ही क्यों, आपके पूरे के पूरे बॉडी पर, आपकी पूरी की पूरी हेल्थ पर आएगा। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि अभी अभी हमें मीनाक्षी जी ने बताया कि DHA ये जो ओमेगा 3 का जो ये पार्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आई में, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। DHA जो है ओमेगा डेक में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो जिसे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना एक लेयर होता है आंखों में, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर, एंड रोडोप्सिन वो पिगमेंट सिंथेसाइज करता है, और DHA इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन जिसे आपका विजन बनता है, कलर विजन, एंड कलर विजन इंप्रूव होता है, और यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स इफ रोडोप्सिन इज देयर, एंड इट इंप्रूव्स आपका विजन। अगर ब्लरिंग है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और आपका ब्लरिंग ऑफ विजन डिक्रीज होता है। इट्स मोर अबाउट द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें नरिशमेंट की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, और शायद इसीलिए बाहर से एक्सटर्नली हमें ये कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, चाहे वो आई की हो, हार्ट की हो, या फिर इट्स अबाउट आवर स्किन, इट विल इंप्रूव। इट वर्क्स इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। या इट वर्क्स इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। बच्चों को अगर देखा जाए तो उनका जो डाइट है इस समय बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, देन दे आर मोर ऑन यू नो फास्ट फूड, वो बर्गर्स ले रहे हैं, चीज खा रहे हैं, पिज्जाज खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नरिशमेंट होता है उनकी बॉडी में वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। दे आर लैकिंग इन विटामिन, मिनरल्स, एंड ऑफ कोर्स एसेंशियल फैटी एसिड्स टू। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बचपन से ही बच्चे जो हैं स्पेक्स पहनते रहते हैं, और वो एक्चुअली एस्टिग्मेटिज्म इज व्हाट ओल्ड एज में जो साइट होता है उसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और एक्चुअली 40 इयर्स ऑफ एज में एस्टिग्मेटिज्म आता है। इट इज अ साइट एक्चुअली आई साइट, नॉर्मल आई साइट। सब आप कहना चाहते हैं कि विद एज हमारी जो आईसाइट है वो काफी वीक होने लग जाती है, और अगर हम लोग बचपन से ही हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड हो, सप्लीमेंटेशंस हो, तो हमारी जो आईसाइट है आगे जाके इतनी जल्दी यू नो ब्लर नहीं होगी। इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड, एंड इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड आल्सो। प्रोलॉन्ग गुड साइट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड।
आई थिंक हमें बहुत सारी बातें करनी है आंखों से जुड़ी हुई, मगर इस समय हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक. नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी आईसाइट और आई रिलेटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डीले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओमेगा डेक. सो स्टे ट्यून. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आई रिलेटेड इश्यूज के ऊपर. तो चलिए डॉक्टर से लेते हैं और कई जानकारियां. डॉक्टर ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था कि जो ड्राई आई है इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग इश्यू, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ड्राई आईज होता क्या है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग. एक्चुअली ड्राई आई इज व्हाट ड्राई आई सिंड्रोम, एक्चुअली दैट वर्ड इज ड्राई आई सिंड्रोम. ड्राई आई सिंड्रोम में क्या होता है कि ड्राइनेस ऑफ द आई, प्रोलॉन्ग ड्राइनेस ऑफ द आई होता है. लैक्रिमल ग्रैंड जो है टीयर्स, आंसू को प्रोड्यूस करता है जी. लैक्रिमल ग्रैंड एक्चुअली अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हो तो ये टीयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता. तो एक्चुअली ये न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन के वजह से होता है. सो टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और आंखें ड्राई हो जाती हैं और दिस इज कॉल्ड ड्राई आई सिंड्रोम. एंड मैं ओमेगा डेक में ओमेगा 3 फैटी एसिड है. एक्चुअली ये टीयर्स जो हैं वाटर और फैट से बनते हैं. तो अगर ये आप एसेंशियल फैटी एसिड लेती हैं और वाटर तो बॉडी में होता ही है, तो ये अपने आप अगर टीयर्स बनने के लिए हेल्प करते हैं और ड्राई सिंड्रोम से आप बच सकते हैं. आंखों की चमक तभी आती है जब आपकी आंखें प्रॉपरली मॉइस्ट हो, और अगर आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी तो काफी डल लगेंगी और कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती जो है उससे हैम्पर जरूर होगी. और जब हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज रिमेम्बर वन पॉइंट दैट इज यू नो अंडर आई डार्क सर्कल्स. तो क्या ओमेगा डेक का अंडर आई डार्क सर्कल में भी कोई रोल है? डार्क सर्कल्स के कई कारण रहते हैं. एक तो जैसे बहुत ज्यादा जैसे कंप्यूटर्स पे प्रोलॉन्ग आप काम कर रहे हैं तो उससे भी रहता है. साथ में जैसे इनएडिक्वेट स्लीप है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उसकी वजह से भी. कभी कभी जैसे एनीमिया जो खून की कमी होती है उसका भी एक कारण रहता है डार्क सर्कल्स आने का. तो इसमें जहां तक जैसे हम लोग बात करते आ रहे हैं कि सप्लीमेंटेशन एक और जो बैलेंस डाइट है उस पर काफी ध्यान देना चाहिए. हाँ ये बात सही है कि ओमेगा डीएसी में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि काफी हद तक इम्प्रूव करता है डार्क सर्कल. मेरा ये कहना नहीं है कि वो पूरा कम्प्लीटली उसको क्योर कर सकता है, बट इट कैन इम्प्रूव टू सर्टेन एक्सटेंट. ओके, तो कहीं ना कहीं अपने जो डार्क सर्कल्स हैं उन्हें कम करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है. राइट. आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली डार्क सर्कल स्किन से ही रिलेटेड है. तो ओमेगा डेक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और ये स्किन के लिए बहुत अच्छे और फायदेमंद है. तो ये ओमेगा डेक यूज करने से बिल्कुल ये फायदेमंद है. जब हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं तो कई केसेस में ऐसा देखा जाता है, कई लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि उनकी आंखें हैं उनके नीचे बहुत पफीनेस आ जाती है और जिसकी वजह से वो काफी ऑड भी लगती हैं. तो इसके बारे में ओमेगा डेक कोई मदद कर सकता है उन्हें? कुछ हद तक मदद कर सकता है ओमेगा डेक. और कई इसके भी पफी आए के भी कई कारण रहते हैं. एक तो जैसे प्रॉपर जैसे स्लीप नहीं हो, इनएडिक्वेट स्लीप, और साथ में काफी स्ट्रेस रहता है. किसी किसी लोगों में वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम रहती है. तो यूजुअली जैसे मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो काफी पफी लगती हैं आईलिड्स. और साथ में कभी जब एज हो जाती है तो जो मसल्स के नीचे का फैट है वो बाहर आ जाता है. तो मेरा ये कहना है कि कुछ हद तक ये प्रिवेंट कर सकता है, इन सब चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, पफी आईलेट के लिए इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन पूरा 100% नहीं, बट हाँ कुछ हद तक. आजकल की जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उसमें एक और डिजीज बहुत कॉमन होता जा रहा है, वो है डायबिटीज. और डायबिटीज का जो इफेक्ट है वो हमारी आईज पर भी दिखता है. एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस डिजीज से सफर कर रहे हैं. तो क्या ओमेगा डेक का उसे प्रिवेंट करने में, उसकी रोकथाम करने में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया. करेक्ट. सो एक्चुअली ये डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ डेंजरस साइड इफेक्ट कहो या इज अ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज कहो, या इट इज अ प्रोग्रेशन कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है. इसमें क्या होता है कि रेटिना जो है डैमेज हो जाता है. मैं बताना चाहूंगी एक लेमैन वर्ड में कि रेटिना जो है एक फिल्म की तरह, कैमरा में एक फिल्म की तरह है जहां इमेज बनता है. अगर ये डैमेज हो गया
तो विजन तो रहेगा ही नहीं, और विजन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाएंगी। तो ओमेगा 3 जो ओमेगा डेक में है, ये बायो एक्टिव मॉड्यूलेटर है जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स को रोकता है, और ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है इट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन रेटिनोपैथी एंड देयर बाय इट प्रिवेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। लाइक जो बेसिक कॉज है, रूट कॉज जो है, उसी की अगर रोकथाम कर दी जाए तो डिजीज कभी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि इट इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड ब्लाइंडनेस, तो वो चीज को भी रोका जा सकता है, आप जो ब्लाइंडनेस है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जब हम कॉम्प्लिकेटेड डिजीज की बात कर ही रहे हैं, तो एक और डिजीज है, दैट इज मैक्युलर डिजनरेशन ऑफ योर आईज, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। बिल्कुल, ये मैक्यूला जो है रेटिना का सेंट्रल पार्ट को हम मैक्यूला बोलते हैं। ये सेंट्रल विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर सेंट्रल विजन एक होता है और साइड विजन, सेंट्रल विजन डैमेज हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द विजन। करेक्ट। आई थिंक आज आप दोनों ने आई रिलेटेड जो इश्यूज थे और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें काफी क्लियरली हमारे दर्शकों को समझाया है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात की। एंड जाते जाते मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप दे, कोई ऐसी सलाह दे जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो इंक्लूड कर सके एंड दे कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। आपसे स्टार्ट करेंगे डॉक्टर मीनाक्षी। मैं अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि ओमेगा डेक को वो अपने डेली लाइफ में सप्लीमेंट की तरह यूज करें, क्योंकि ये मैं भी एक अपने फैमिली में और अपने खुद भी लेती हूँ इसके लिए। इससे एक्चुअली क्या है कि आपके आईज में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है एक अच्छे नॉर्मल हेल्दी आईज को रखने के लिए, वो काफी हद तक फुलफिल होती हैं। तो इसको अगर वो इंक्लूड करते हैं डाइट में तो अच्छा रहेगा उनके लिए। थैंक यू डॉक्टर। और आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सिंदूरी? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है और आप कंप्यूटर के सामने ज्यादा बैठते हैं और आई स्ट्रेन हो जाता है, तो ओमेगा डेक के 2 सॉफ्ट जेल लीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ओमेगा डेक आपकी आंखों को हेल्दी बनाता है, खूबसूरत बनाता है। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है Goodbye। हम मिलेंगे ओमेगा डेक के अगले एपिसोड में और भी कई ऐसी जानकारियों के साथ जो आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने में आपकी मदद करेगा। So till then, live healthy and look younger।